दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रश्न के बारे में जिसको लेकर लोगों में, खास तौर पर विवाहित लोगों में, यह बहुत ही चिंता का विषय बना रहता है कि क्या एक स्त्री को शादी के बाद संभोग करना चाहिए या नहीं। ये हम इस सवाल को वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जब हमने इस प्रश्न को लेकर अध्ययन किया और समझा, तब हमें यह पता चला कि यह सब फालतू की बातें हैं कि शादी के बाद आपने यदि अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लिया तो आपने दोष कर दिया। आपको इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको इन तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह सब करना ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य के लिए किस बात की तिथि, ये जो बाबा लोग बताते हैं और आप लोग उनके चक्कर में पड़कर अपनी एक अच्छी जिंदगी को आप बर्बाद कर देते हैं और आपके रिश्तों में दरार आ जाता है, यह सब छोड़ दीजिए। क्या पति पत्नी संभोग ना करें, यह ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य नहीं, यह एक परहेज है जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ये बलपूर्वक किया गया परहेज है। जो गृहस्थ जीवन में दोष है, इसमें क्या गलत है? जो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्या उनको ब्रह्मचर्य का सही अर्थ पता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा में रमण, अर्थात आप अपने मन को ब्रह्मा के चिंतन में लगाइए और ब्रह्मा का चिंतन करिए और अपनी वाणी पर संयम रखिए। आप उनका चिंतन करते हुए खुश रहे और आपकी अंतर आत्मा में ब्रह्मा का वास रहे और हमेशा आपका मन उनके चिंतन में व्यस्त रहे। ये होता है ब्रह्मचर्य का नियम। संभोग करना तो यह हमारी प्रकृति का नियम है जो हमें प्रदान करती है और इससे हमारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। जो बाबा लोग यह सब बताते हैं और आप लोग उनके चक्कर में पड़कर आप अपनी एक हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, इससे आपको बहुत ही दोष हो जाएगा। आप अपने मन को ब्रह्मा के चिंतन में लगाइए और वाणी पर संयम रखिए।